विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन सच अ वे दैट इट नेवर रिटर्न्स। तो हमको एक रॉकेट लॉन्च करना है फ्रॉम अर्थ इन सच अ वे दैट इट नेवर रिटर्न्स। नेवर रिटर्न्स मतलब एस्केप वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा, ऐसा उसका मतलब होता है। इफ ए इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर, तो रॉकेट जो लॉन्चर है वो एनर्जी डिलीवर करेगा ई। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव इफ द सेम रॉकेट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून। अगर हमको सेम रॉकेट को मून के सर्फेस से लॉन्च करना हुआ तो कितना एनर्जी डिलीवर करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर इक्वल एंड दैट द अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, रॉकेट को अर्थ के सर्फेस से लॉन्च करना है इन सच वे दैट इट नेवर रिटर्न्स। मतलब ये गया तो गया, वापस नहीं आएगा। मतलब वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन इज एस्केप वेलोसिटी। अगर हमको उसी रॉकेट को मून के सरफेस से लॉन्च करना हुआ तो हाउ मच एनर्जी शुड बी डिलीवर्ड, ऐसा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून ये सेम है, ऐसा मान लो, और अर्थ का वॉल्यूम ये 64 टाइम्स है दैट ऑफ मून। तो सबसे पहले अर्थ का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। अगर मैं अर्थ और मून दोनों को स्फीयर मान लूं, इफ आई टेक देम एज स्फीयर, तो आ जाएगा 4/3 π r³, π r³ इक्वल टू 64 64। वॉल्यूम ऑफ मून इज अगेन 4/3 π r³। तो 4/3 π, 4/3 π हो गया कैंसल। तो अर्थ का जो रेडियस है अगर क्यूब रूट लेते हो तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ मून। तो कम से कम तुमको यहाँ से रेडियस का इंफॉर्मेशन मिल गया, है क्लियर? गुड। अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अगर एस्केप करवाना है तो हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन, कैसे फाइंड करोगे एनर्जी? हाउ विल यू फाइंड आउट एनर्जी गिवन? एक ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ के सरफेस से एस्केप करना है, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है उसको एस्केप करवाना है, एस्केप करवाना है मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर भेजना है, ऊपर भेजना है। तो जो तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजने में वर्क डन करते हो इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रिमेम्बर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट एस्केप इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ½mve²। ve मतलब एस्केप स्पीड, राइट? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला? ½m, क्या था ये? टू 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 gm/r, टू gm/r, बराबर, करेक्ट, गुड। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द ऑब्जेक्ट? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय क्लियर। देन वॉट विल यू डू नेक्स्ट? इसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद? वॉट विल यू डू आफ्टर दिस? बताओ क्या करोगे इसके बाद? वॉट विल यू डू? क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? इंफॉर्मेशन ने क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स ऑफ मून, उसमें से तुमको क्या मिल गया? रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। डेंसिटी क्या बोला है? कांस्टेंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट बोला है तो पहले एक क्वेश्चन में डेंसिटी को लाओ, डेंसिटी को लाओ। कैसे लाओगे? मास से। तो डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आया ना भाई, आर आया कि नहीं? यस, व्हाट इज कैपिटल एम? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सही है, गुड, ऐसे होता है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जी स्मॉल एम बाय आर। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर। अब इफ यू सी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू आर क्यूब और नीचे आर, तो क्या बचा? आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट था ऑब्जेक्ट का, तुम तो उसको अर्थ से लॉन्च करो या तुम तो उसको मून से लॉन्च करो, रॉकेट को, मास ऑफ रॉकेट इज कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, क्योंकि रो इज डेंसिटी और डेंसिटी इक्वल है किसका? अर्थ और मून का। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आ गया। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था कि उसी रॉकेट को अगर हमको मून से लॉन्च करना है तो कितना एनर्जी लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मून अपॉन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अर्थ इक्वल टू क्या आएगा? आर मून अपॉन आर अर्थ का होल स्क्वायर। आर मून अपॉन आर अर्थ, अभी फाइंड किया तुमने, व्हाट इज आर मून अपॉन आर अर्थ? 1/4। क्या है? 1/4, 1/4 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रॉम मून अपॉन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से क्या था? ई, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो कितना आ गया? 1/16। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ मून कितना होगा? E/16। अब E/16 ऑप्शन में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमको चेक करना पड़ेगा, समथिंग मे बी रॉन्ग, होना चाहिए वैसे, ऑप्शन नंबर डी। आ गया, गुड। मैं वापस एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन था ये, और इजी था। एक रॉकेट है जिसको आप अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर रहे हो और वो एस्केप कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड। जो एनर्जी आपने उसको दिया वो था ई, ई वॉज द एनर्जी गिवन टू द रॉकेट, रिमेम्बर, ई वॉज द एनर्जी गिवन टू द रॉकेट, राइट। अब आपको बोला है कि अगर अर्थ का वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मून बोला है? 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। तो 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इक्वल टू 64, 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। 4/3, 4/3 हो गया कैंसल, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, क्योंकि मैंने क्यूब रूट ले लिया। आपको ये समझना था, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको एस्केप करवाना है, अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको तुम थ्रो करोगे, मतलब तुम वर्क डन दोगे, और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हमको एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे जो रेस्ट पे था, फॉर एग्जाम्पल तुम सब रेस्ट पे हो, अगर मुझे लगा किसी एक को यहां से एस्केप करवाना है, क्या करेंगे? थ्रो करेंगे मतलब क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0 था। अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो जो वर्क किया, इट अपियर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं एस्केप होने के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये पता होना चाहिए। ½mv²। और एस्केप वेलोसिटी का तुमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ 2gm/r, अंडर रूट ऑफ 2gm/r को स्क्वायर कर लिया तो 2gm/r आ गया, टोटल हो गया कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, गुड, क्लियर। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? इसमें कांस्टेंट क्या है वो तुम समझ जाओ, जी और एम कांस्टेंट है, क्योंकि एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज रॉकेट जिसको तुम लॉन्च कर रहे हो। कैपिटल एम होता है किस पे से लॉन्च कर रहे हो? अर्थ पे से, तो अर्थ का मास, मून पे से तो मून का मास। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। जी क्या है? कॉन्स्टेंट है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन हमको हमको बताया क्या है कि डेंसिटी इज सेम, डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन में डेंसिटी को लाना पड़ेगा, कैसे लाओगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जी एम 4/3 रो सब कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर सेम, ऐसा बोला है। तो
काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाय आर, मतलब प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून अपॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर मून अपॉन आर अर्थ का स्क्वायर। इसको ई बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून अपॉन ई इक्वल टू, ये हमारा 1/4 था, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया, तो आंसर ई बाय 16 आ गया। ई बाय 16 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। अगेन दिस इज फ्रॉम जेडब्ल्यू मेन 2020 आई गेस। सिंपल क्वेश्चन है, अ स्पेसशिप ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। एक स्पेसशिप है जो एक प्लैनेट के सरफेस से 20 किलोमीटर हाइट पे इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ऑर्बिट मतलब गोज अराउंड द प्लैनेट। अज्यूमिंग दैट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट एक्ट्स ऑन द स्पेसशिप, उस स्पेसशिप पे सिर्फ प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट हो रहा है, बाकी कुछ भी एक्ट हो सकता था। जैसे अगर उस प्लैनेट का एटमॉस्फियर हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जब एटमॉस्फियर से स्पेसशिप जाएगा तो एयर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा फ्रिक्शन, लेकिन वो लेना नहीं है ऐसा बोला है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द स्पेसशिप इन 24 आवर्स अराउंड द प्लैनेट। 24 आवर में वो स्पेसशिप प्लैनेट के कितने चक्कर काटेगा ऐसा पूछा है। ओके, गिवन मास ऑफ प्लैनेट इज 8 × 10⁻²² किलोग्राम, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 × 10⁻⁶ मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 × 10⁻²⁷ न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझा? हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं समझा, मैं बता देता हूँ वापस से। चलो ठीक है, गुड, आई विल रिपीट। एक प्लैनेट है, अर्थ छोड़ के कोई और प्लैनेट है, उसके सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर एक स्पेसशिप है जो उस प्लैनेट के चक्कर काट रहा है। हाइट है 20 किलोमीटर, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट सब कुछ दिया है आपको क्वेश्चन में। आपको पूछ रहा है कि 24 आवर्स में वो जो स्पेसशिप है वो उस प्लैनेट के कितने राउंड कंप्लीट करेगा। हाउ मेनी राउंड रिवोल्यूशन विल दैट स्पेसशिप कंप्लीट अराउंड दैट प्लैनेट इन 24 आवर्स? तो अभी क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, सपोज एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको अर्थ का एक चक्कर लगाने में 2 घंटे लगते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 आवर्स। तो 24 आवर में कितने चक्कर लगा लेगा? 12। बराबर, मतलब टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट टास्क टू फाइंड आउट टाइम पीरियड? राइट, ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा या ध्यान दो। यू हैव टू डेवलप दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला डिराइव करके रखा था हमने, टी इक्वल टू 2π√r³/gm, है याद है? तो स्टार्ट विद दैट, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, टी इक्वल टू 2π√r³/gm, वेयर स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, वेयर एच इज 20 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10³ मीटर। बराबर, सही है। और रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है प्लैनेट का? 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶, ये 2 × 10⁻⁴ है, हाइट 2 × 10⁻⁴ है, 20 × 10⁻³ मतलब 2 × 10⁻⁴, और आर है, रेडियस है 2 × 10⁻⁶ मीटर। बराबर, मतलब 2000 किलोमीटर इन शॉर्ट। ठीक है, तो स्मॉल आर मिल जाएगा आपको आर प्लस एच, मतलब 2 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁴। बराबर, क्या आएगा? टू जीरो 2 × 10⁴ मीटर में, करेक्ट है, दैट्स ओके, फाइन। अगर आप चाहो तो 2.02 × 10⁻⁶ भी लिखो, चलता है। तो 2.02 × 10⁻⁶ मीटर ये आ गया, ये आ गया स्मॉल आर। हमारे पास जी की वैल्यू दी है, यस, कैपिटल एम दिया है, यस, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा।
टाइम पीरियड मिल जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई होता है 6.28। आर क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा आपको, 2.02 × 10^6 का क्यूब करना पड़ेगा। 10^6 का क्यूब कितना होता है? 10^18। 2.02 का क्यूब, रफली रफली बता रहा हूँ मैं, 2 का क्यूब कितना? 8। तो 2.02 का क्यूब 8.2424, ठीक है, 8.24 लिख देते हैं हम लोग, 8.2, गुड नाउ चलता है। 8.24 × 10^18, जी के मतलब कितने दी? 6.67 × 10^-11। मास कितना था? प्लैनेट का मास कितना था? 8 × 10^22, 8 × 10^22 ऐसा था। 10^-11 और +22, 11। ऊपर 18 है, नीचे 11 है, कितना बचा? 7, करेक्ट। 8.24, 6.67 और 8, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 8.24 और 8 हो गया कैंसल, तो 1/6.67, 1/6.67, तो पूरा कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। 8.24 डिवाइडेड बाय 6.67, 1.23 समथिंग समथिंग, और डिवाइड बाय 8 वापस से, और डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, 0.1544, 0.1544, 0.1544 × 10^7। एक काम करेंगे, 10^7 का 10 इसको दे देंगे, तो 6.28, तो 1.544 × 10^6, सिर्फ एक 10 इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ऑड पावर रहा तो मैं रूट नहीं ले पाऊंगा, इवन कर लिया पावर। 1.54 का रूट, 1.54 का रूट, 1.54 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1.24, 1.24 और बाहर कितना है? 6.28 × 6.28 कितना आ गया? 7.7, तो 7.7 और 10^6 का रूट 10^3 कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 7,700 सेकेंड्स। 7.7 × 10^3 कितना होता है? 7,700 सेकेंड्स, सेकेंड्स इतना टाइम पीरियड है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, तो 128, 128.33 मिनट, 128.33 मिनट, 128.33 मिनट्स, राइट। आर में करना हो तो फर्दर डिवाइड बाय 60, आर में कन्वर्ट करना है तो फर्दर डिवाइड बाय 60 कितना आ गया? 2.13 आर, सही है, गुड। तो 12 चक्कर से तो कम लगने वाले, क्यों? अगर 2 घंटा टाइम पीरियड होता तो 24 आर में कितने लगते हैं? 12। यहाँ पे 2 घंटे से ज्यादा टाइम पीरियड है तो 12 से कम, पहले देख लो, 12 से कम, 12 से कम दो ऑप्शन है, 11 आएगा लॉजिकली स्पीकिंग, 9 नहीं आ सकता, फिर भी तुमको करना है, कर लो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? 24 डिवाइडेड बाय 2.13 कितना आ गया? 11.26, तो 11.26, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस? 24 आर बाय टाइम पीरियड, मतलब 24 बाय 2.13 मतलब 11 पॉइंट समथिंग, तो 11, ऑप्शन नंबर डी। डू यू सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीईटी लेवल क्वेश्चंस एंड जेडब्ल्यू नीट? यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा है और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि टाइम पीरियड बता दो। देयर आस्किंग यू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 24 आवर्स, कल को बोलेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वन डे, सेम आंसर। कल को बोलेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मंथ, 1 मंथ इज नॉर्मली 30 डेज, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 330। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 ईयर? 330 मल्टीप्लाई बाय 12, करेक्ट, गुड। तो दैट विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस ऑफ सीईटी एंड जेडब्ल्यू नीट। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बढ़ेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा नहीं है, क्वेश्चन इजी था लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। और देखो क्या होता है सीईटी के लेवल के क्वेश्चंस में ना, आपको नॉर्मली बोलते हैं सैटेलाइट इज अर्थ सैटेलाइट,
अर्थ के अराउंड सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो उस केस में आपको ऑलरेडी पता है मास ऑफ अर्थ 624, ग्रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो 4.2 × 10^7, तो वो तुम वहां यूज कर सकते हो, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज 9/4। एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ के सरफेस पे और दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे, उसका रेशियो लिया तो 9/4 आता है। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/9 ऑफ अर्थ। प्लैनेट का मास अर्थ के मास के कंपेरिजन में 1/9 है, मतलब मास ऑफ प्लैनेट इज मास ऑफ अर्थ बाय 9। रेडियस, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर अर्थ का रेडियस आर है तो प्लैनेट का रेडियस कितना है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस और नो? तो नहीं तो मैं वापस बता देता हूँ, सिंपल है। आपको पता है ऑब्जेक्ट का मास एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर गए तो चेंज नहीं होता है, मास सेम रहता है, चेंज क्या होता है? वेट। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पहले अर्थ पर रखा, फिर प्लैनेट पे लेके गए दूसरे प्लैनेट पे, दोनों प्लैनेट्स पे, अर्थ और उस प्लैनेट पे वेट का रेशियो 9/4। है ना क्लियर? मास ऑफ प्लैनेट कितना है? मास ऑफ अर्थ बाय 9। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जो प्लैनेट है उसका रेडियस कितना होगा इन कंपैरिजन विद रेडियस ऑफ अर्थ। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू हाउ मच? 9/4। व्हाट इज वेट? mg। तो मास इनटू एक्सेलरेटेड ग्रेविटी एट अर्थ, मास इनटू एक्सेलरेटेड ग्रेविटी एट प्लैनेट इक्वल टू 9/4। mm हो गया कैंसल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेटेड ग्रेविटी? gm/r². तो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ऐसा बोला है। जी जी भी हो गया कैंसल। एंड मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, ये RP², ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। RP अपॉन RE दोनों का क्या था? स्क्वायर। इक्वल टू कितना आ गया? 9/4। मास ऑफ प्लैनेट वाज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाय 9। तो व्हाट इज मास ऑफ अर्थ अपॉन मास प्लैनेट? मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाय 9। तो व्हाट इज ME बाय MP? 9। ME/MP इज 9। तो ये क्या है? ये 9 है, ME/MP 9 है। तो RP/RE का स्क्वायर 9/4, 9 9 कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लो। व्हाट इज RP/RE? क्या है RP/RE? RP/RE का स्क्वायर 1/4 है, तो RP/RE कितना हो गया? 1/2। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट? रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2। रेडियस ऑफ अर्थ को क्या बोला है? आर। तो आर बाय 2, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट पोल्स इज जी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के पोल पे जी है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा। तो अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है जिसको आप एंगुलर स्पीड बोलते हो वो कितना है? ओमेगा है। एन ऑब्जेक्ट इज वेग्ड एट द इक्वेटर। एक ऑब्जेक्ट का आपने इक्वेटर पे वेट मेजर किया और एंड एट अ हाइट एच अबोव द पोल, उसी ऑब्जेक्ट का वेट तुमने पोल के ऊपर एच हाइट पे मेजर किया बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इफ द वेट्स आर फाउंड टू बी सेम, दोनों वेट सेम आए, देन एच इज इक्वल टू हाउ मच?
मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नंबर वन, और इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अर्थ का जो रोटेशनल वेलोसिटी है, जिसको तो एंगुलर स्पीड बोलते हैं, वो ओमेगा है। देन व्हाट द टेलिंग यू इज, अर्थ के पोल पे एक्सेलरेटिंग ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? जी, आपने एक ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया, कहाँ मेजर किया? इक्वेटर पे, यहाँ पे, और कहाँ मेजर किया? पोल के ऊपर एच हाइट पे। आपने वेट दो जगह पे मेजर किया, एक किया इक्वेटर पे, एक काम करता हूँ इसको मैं W1 बोल देता हूँ, और एक मेजर किया यहाँ पे W2 बोल देता हूँ इसको, बराबर पोल के ऊपर एच हाइट पे। तो दो जगह पे आप वेट मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्प्रिंग बैलेंस यूज करो या तुम कुछ भी यूज करो। स्प्रिंग बैलेंस क्यों बोला है तुमको वापस कंफ्यूज करने के लिए? तुम क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाओगे और सोचने लगोगे स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। दैट इज वाई दे गिव यू सच थिंग्स। आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करो, आप किससे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट क्या बोला है? द वेट आर सेम इक्वल, मतलब W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? W2। W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2। समझ में आया क्वेश्चन? क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको? हाइट। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? व्हाट इज वेट? mg। तो mg1 इक्वल टू mg2, मतलब घुमा फिरा के तुमको ये बोल रहे हैं कि g1 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इक्वल टू g2 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेस। तो सीधा बोलने की जगह पे वापस लुक हाउ द क्वेश्चन आर फ्रेम्ड। अगर ये क्वेश्चन सीट लेवल पे आता ना, तो तुमको बोलते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबाउट द पोल्स। यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ बोला वेट सेम है, और वेट तुमने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया है। तो g1 मतलब इक्वेटर पे, सो क्या लिखते हो तुम? g थीटा। और g2 लेकिन हाइट पे, तो क्या लिखोगे इसको? g h। व्हाट इज g थीटा का फॉर्मूला? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, व्हाट इज जी एच का फॉर्मूला? जी 1 माइनस 2 एच बाय आर। 1 माइनस 2 एच बाय आर क्यों यूज किया? आर अपॉन आर प्लस एच क्यों नहीं किया? आर अपॉन आर प्लस एच कर सकते थे ना। क्या लिखा है? एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो तुमको ये भी बता दिया कि तुमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। लैटिट्यूड एट इक्वेटर इज 0, तो थीटा 0। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। जी इनटू 1 इज जी माइनस 2 एच जी बाय आर। सिर्फ जी से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड टर्म को, बराबर। यहाँ पे जी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी जी पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल, चलो कर लेंगे कैंसिल। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस 2 एच जी बाय आर। जी जी हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एच जी बाय आर। माइनस माइनस भी गया, तो हाइट क्या आएगा? हाइट क्या आएगा? एच क्या आएगा? आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन अपॉन 2 एच, नहीं एच फाइंड कर रहे हैं ना, अपॉन 2 जी। तो हाइट क्या आना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी। ऑप्शन नंबर ए आया ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जी आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 हैव रेडियस 1 मीटर एंड 2 मीटर। तो पहले बॉडी का जिसका मास m1 था, उसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका मास m2 था, उसका रेडियस 2 मीटर है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज, तो ये जो दोनों बॉडीज है ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेंगे। मैंने आपको बताया था जहां पे मास हो, हर एक मास क्या जनरेट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर चार्ज है तो वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकता है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज
विद द रेडियल डिस्टेंस, मतलब बॉडी से तुम जब दूर की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस के साथ फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी वो दिया है डायग्राम में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर राइट वेरीज एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है, वैल्यू ऑफ m1 बाय m2 इज, तो m1 और m2 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले अगेन आई आस्क यू द सेम थिंग, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन ऐसा है, एक मास है m1, एक मास है m2। आपको ये पता होना चाहिए मास जहां पे भी हो वो सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो m1 ने अपना फील्ड जनरेट कर दिया, m2 ने अपना फील्ड जनरेट कर दिया, और उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। सिमिलरली जब मास से दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो पहले मास का और दूसरे मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज हो रहा है वो ग्राफ में दिया है। पहले मास m1 का रेडियस कितना था, 1 मीटर, दूसरा कितना है, 2 मीटर, ऐसा आपको बताया है। आपको पूछा है m1 बाय m2 का रेशो बताओ, व्हाट इज द रेशो ऑफ m1 बाय m2, दिस इज द क्वेश्चन। अभी समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? तो मुझे बताओ कि क्या करेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल, 2 स्टेप 3 स्टेप आंसर डन। लुक लुक एट द ग्राफ, ग्राफ देखोगे ये जो 2 लिखा है मतलब है सेकेंड मास का है। तो सेकेंड मास का ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना है, 3। कितने डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, है ना बराबर? ओके और जो पहला है, पहला मतलब रेडियस, ठीक है रेडियस बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस मतलब रेडियस। और जो पहला है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, ग्राफ ही गलत दिया हुआ है, वो एक्चुअली यहाँ तक होना चाहिए था। एनीवेज ऐसा होना चाहिए था, 1.5 नहीं तो नंबर देना चाहिए, चेक करने तो 1.5 तो नहीं आएगा वो, तो थोड़ा सा ग्राफ ही गलत है, कोई बात नहीं करेक्ट कर लेंगे। मैं ग्राफ करेक्ट करके बता देता हूँ आपको, ग्राफ गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो द करेक्ट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो आर, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको मैं IG बोल देता हूँ। यू हैव टू ग्राफ्स, पहले बॉडी का और दूसरे बॉडी का, और दूसरे बॉडी का ऐसा है। दूसरे बॉडी के लिए वैल्यू है 3, कितने डिस्टेंस पे, 3, कितने डिस्टेंस पे, 3, 2 मीटर पे। पहले बॉडी के लिए वैल्यू है 2, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। यह है करेक्ट ग्राफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, कितना दिया है सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू कितना है, 3। 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई ε₀ q/r², वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r², ये तुम सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो मास भी किसका लिखोगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट का, सही है। डिस्टेंस भी किसका लिखोगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। तो 3 = g m2/distance, कितने डिस्टेंस पे वैल्यू 3 थी, कितने डिस्टेंस पे वैल्यू 3 थी, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2² सिमिलरली पहले ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड का वैल्यू कितना है, 2, कितना है, 2 = gm1/r², ये सेकेंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ r1, 1, तो क्या लिखोगे इसको, 2 = gm1/1² 1² इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो, आपको क्या चाहिए, m1/m2, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड इसका, 2 इसका क्या है, 3, 2/3, क्या लिखोगे वहां पे, gm1 1² is 1 अपॉन gm2 अपॉन 2² is 4, जी जी हो गया कैंसल। ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कहाँ गया, ऊपर, तो 2/3 = 4m1/m2 हो गया सॉल्व, 1 जा एंड 2 जा, ये 2 यहाँ पे आएगा तो 6,
M1 by M2? 1 by 6. 1 by 6, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट ए हैज मास एम, रेडियस आर. प्लैनेट बी हैज हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए. तो जितना ए प्लैनेट का मास और रेडियस था, उसका हाफ हाफ बी के पास है. इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट्स ए एंड बी आर वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, देन वी ए बाय वी बी इज एन बाय 4. द वैल्यू ऑफ एन इज, जोक क्वेश्चन है, जोक. इस जोक को सॉल्व कैसे करते हैं, समझते कैसे इस जोक को? इस जोक को समझने के लिए ना पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 gm/r. 2 और g क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ gm/r. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ए, अपॉन बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, रूट ऑफ मास को. तो इधर ए, तो इधर ए, यहाँ पे नीचे बी है, तो यहाँ पे एम बी आएगा. इनवर्स किसको है, आर को, तो आर बी बाय आर ए. वेरी गुड. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, बी का मास इट इज हाफ ऑफ ए, ऐसा बोला है ना, बोला है बी का मास, मास ऑफ प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ ए, एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ए. तो व्हाट इज एम ए बाय एम बी, कितना है एम ए बाय एम बी? अरे एम ए बाय एम बी कितना आएगा, 2. 1/2 कैसे आएगा, 2 आएगा, 2. एम ए बाय एम बी इज 2. आर बी बाय आर ए कितना आएगा, 1/2. कैंसिल 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 हो गया ना. हाँ, तो वी ए बाय वी बी कितना आ गया, रूट ऑफ 1. व्हाट इज रूट ऑफ 1? पर लेकिन बोला कितना है, एन बाय 4. तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया, एन बाय 4. तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एन इक्वल टू 4. चलो अगला क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तुमको बोला है एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू दैट ऑफ अ प्लैनेट, उस प्लैनेट का रेडियस और मीन डेंसिटी, उस प्लैनेट का रेडियस और मीन डेंसिटी ये अर्थ के कंपैरिजन में डबल है, डबल. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब ये समझ में आ गया. अब तुमको यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी मेंशन कर दिया, मतलब तुमको एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा. डेंसिटी कहाँ से लाते हो, मास से लाते हो. तो अंडर रूट ऑफ 2 g/r. व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये वी, ये वॉल्यूम वाला वी है, ये वी एस्केप वेलोसिटी का वी है. व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 πr³. और यहाँ पे डेंसिटी था r³ by r इज r², बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है. ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है. तो v इज प्रोपोर्शनल टू r³ by r, मतलब r² × ρ. r² का रूट कितना होता है, r. हो गया करेक्ट. आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था रेशियो, कैसे पूछा, कैसे पूछा था, रेशियो. हाँ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू दैट ऑफ प्लैनेट इक्वल टू re/rp, अंडर रूट ऑफ ρe/ρp. वट इज आर ई बाय आर पी, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कितना है, वट इज आर ई बाय आर पी, आर ई बाय आर पी, आर ई बाय आर पी 1/2. वट इज रो ई बाय रो पी, रो ई बाय रो पी अगेन 1/2. तो क्या आएगा, 1/2 √2, 1/2 √2.